सोने की लंका में आज अनाज के लिए मारा मारी मची है। दूध दवा की किल्लत चरम पर है। 16-16 घंटे की बिजली कटौती है। एटीएम खाली है। घरेलू सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। ऑटो ड्राइवर ईंधन के इंतजार में है। बच्चे महिलाएं बेबस हैं। इस मुल्क में गूंज रहा है तो बस गो बोटा बाया गो कि कुल मिलाकर कहें तो श्रीलंका में स्थिति पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। इन हालतों के बीच श्रीलंका में आम लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। आज़ाद होने के बाद श्रीलंका में इस तरह का संकट पहली बार सामने आया है। मार्च के आखिर से ही राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन जारी है। परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बीच बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी लोगों को जंग लड़नी पड़ रही है। इस तस्वीर में घरेलू सिलेंडर के लिए लगी लाइन आप देख रहे हैं। ये लाइन किलोमीटर्स तक पहुँची जा रही है। इस लाइन में बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सब खड़े हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की किल्लत ने सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि अधिकांश पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल नहीं है। जहां उपलब्ध है वहां का मंजर कुछ ऐसा है कि जानकारी के मुताबिक श्रीलंका के बाजार में लंका IOC की हिस्सेदारी 1/3 है। बाकी 2/3 मार्केट पर सिलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन का कब्जा है। इस साल श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में 90% और डीजल की कीमत 138% बढ़ चुका है। हालांकि इस तेज़ी के बावजूद श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमत भारत के मुकाबले कम है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।